नमस्ते गुरुदेव, आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आचार्य डॉक्टर ज्योतिषाचार्य प्रणाम सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि आजकल की मम्मियाँ कई परिवारों में मतलब बेटियाँ होती हैं तो बेटियों को काम नहीं सिखा के बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, मतलब ऐसा है कि काम तो बोले ससुराल जाके सीख लेगी लेकिन एक बार पढ़ाई कर लो तो डिग्रियां दिलाती हैं, तो महाराज जी इसका क्या? बहुत अच्छा प्रश्न बेटी को लेकर है। यदि बेटी डिग्रियां प्राप्त करती है तो वह अपना जीवन लड़कों की तरह तो जी सकती है लेकिन वह बेटी की तरह अपना जीवन नहीं जी सकती है। यदि वह ससुराल भी जाए तो ससुराल का सुख कब प्राप्त होता है? जब वह सासू के साथ, ससुर के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर के रहती है, तब जाकर के उसको ससुराल का सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसा कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। यदि कोई बेटी ससुराल को अपना घर बनाना चाहती है तो वह सबसे पहले अपने हाथों से रोटी बना करके अपने परिवार के सदस्यों को खिलाती है तो पूरा ससुराल उस बेटी का हो जाता है। और यदि वह बेटी ससुराल में कोई भी काम नहीं करती है, सिर्फ डिग्री के अनुसार वह सर्विस करती है, तो जो सुख बेटे को मिलता है वही सुख बेटी को मिलता है, लेकिन इससे परिवार बिखर जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं कराओ, पढ़ाई खूब कराइए, खूब अच्छी अच्छी डिग्रियाँ दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ बेटी को चूल्हे से चौके से जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात भी करता हूँ। यदि आपको तो होटल का भोजन मिल जाएगा, रेस्टोरेंट का मिल जाएगा, यदि मैं उसकी बेटी के घर गया आहार करने तो मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी? एक ही बात कहेगी कि बेटी मुझे तो रोटी बनाना नहीं आती, मुझे तो कोई कभी मैंने रसोई घर में कोई काम नहीं किया। अगर ऐसा होता चला गया, एक दिन ऐसा आएगा उस घर में मेहमान तो आएंगे लेकिन संत नहीं आ पाएंगे। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में दिगंबर संतों के आहार होते रहें तो सबसे पहले बेटियों को भोजन बनाना, आहार बनाना जरूर सिखाना, तभी जाकर के उस घर में संत पहुंचेंगे। और संत जब पहुंचते हैं तो वह घर अपने आप जैन घर हो जाता है। तो घर को जैन घर बनाए रखने के लिए अपनी बेटी को भोजन बनाना, आहार बनाना जरूर सिखाएं, अपने लिए नहीं हम लोगों के लिए, तो ही जाकर के आप अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हो। महाराज जी, आपने मेरा पहले प्रश्न का तो बहुत अच्छे से आंसर दिया। और सब बहनों को, ये माँ को पता होगा कि डिग्री के साथ साथ वो घर का काम भी सीखा है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में और है महाराज जी। जब माँ, परिवार वाले या माँ जब लड़के को काम नहीं सिखाएगी तो वो आगे जाके ससुराल में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी, और सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी खाली पैसे पैसे की बात नहीं है, डिग्री ले लेगी वो, नौकरी भी चली जाएगी, पैसे भी ले आएगी, लेकिन अगर वो सामंजस्य परिवार में नहीं बिठाएगी तो वो छोटे छोटे उसके फिर परिवार में झगड़े होते हैं, तो वो झगड़े के कारण फिर नौबत ऐसे आ जाती कि तलाक चाहिए मुझे, कि डाइवोर्स चाहिए, आपस में बनती नहीं है दोनों की, तो इसका क्या कारण महाराज जी? आज हम देख रहे हैं परिवार की सामंजस्यता धीरे धीरे कम होती जा रही है। हर कोई फ्रीडम होना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। मेरा यही कहना है कि जीवन में सबसे पहले हमारा संबंध भोजन से होना चाहिए, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, इससे होना चाहिए। कि जब हमारे हाथों का नाश्ता होगा तो परिवार की आस्था अपने आप तुम्हारे प्रति बढ़ती चली जाएगी। आज के समय जब वह बेटी ससुराल जाती है तो पहली बात तो उसका दूसरा घर है, उसका अपना घर तो है नहीं है, तो हर माँ पहले अपने बेटे की बात सुनती है, वह हर बेटा सबसे पहले अपनी माँ की बात सुनता है। यदि वह माँ बार बार अपने बहू की शिकायत अपने बेटे से करती है, एक दिन ऐसा आता है कि वह बेटा इतना परेशान हो जाता है, एक तो सर्विस से परेशान, व्यापार से परेशान, दूसरा माँ की शिकायत से परेशान होता है, यह परेशानी इतनी बढ़ती है कि वह शिकायत तलाक की नौबत तक आके खड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूँ उन बेटियों से, बहनों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप शादी करके ससुराल में जाओ, बेटे के लिए कुछ, पति के लिए कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, सबसे पहले अपने सास और ससुर के लिए करते चले जाना। हम तो कहते हैं पत्रिका लड़के लड़की की मिले ना मिले, लेकिन हर लड़की की पत्रिका अपने सासू से मिला लेना।
क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें सासू के साथ रहना पड़ता है। पति तो सुबह जाता है 8 बजे, रात को 10-11 बजे घर आता है, लेकिन बाकी का जो समय है 24 घंटे में वो सासू के साथ ही हमें निभाना पड़ता है। तो इसलिए मेरा यही आपसे कहना है कि सबसे पहले आप सासू को खुश रखें, सासू की हर बातों को पूरा करें, हर उनकी भावनाओं को समझें कि सासू क्या चाहती है। एक बात अपने मन में हमेशा बना के रखना कि आज एक माँ ने 22, 24, 26 जितने भी साल का तुम्हारा बेटा हुआ है, भगवान से क्या मांगा होगा, हे भगवान मेरे घर में बेटा पैदा हो। बेटा पैदा होने के बाद 24 साल के बाद या 26 साल के बाद वह बेटा आपको सौंप दिया, वो भी संस्कारी बेटा। यदि उस बेटे में गलत आदतें हो जाती, यदि वो कहीं क्लब जाता, बियर पीता, गलत जगह गलत संगति में होता, और गलत संगति वाला बेटा ये तुम्हारे संपर्क में आता तो तुम्हारा जीवन नर्क के समान हो जाता। यदि तुम्हारे पति को बचा के रखा है, उस सासू माँ ने बचा के रखा है, तो सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि जिस सासू ने मेरे पति को इतना अच्छा बना के रखा है, रोज़ मंदिर लेके जाता है, धार्मिक यात्राएं कराता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देता है, तो इतना अच्छा पति क्यों मिला, एक सासू माँ के प्रभाव से। इसलिए मैं चाहता हूँ सारी बहनों से कि सासू को अपनी माँ समझें, जिस माँ ने इतना अच्छा पति तुम्हें दिया है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। कुछ भी गलती होती है सासू से, कहा सुनी हो जाती है सासू से, ये सोचना कि बचपन में मेरी माँ भी मुझे चाटा मारती थी, चिल्लाती थी, चलो आज बेटे को देने वाली एक सासू ने ही तो मुझे चिल्लाया है, तो हम जा कर के इस तलाक की नौबत से बच सकते हैं। ये तलाक पहली बात तो हिंदू धर्म नहीं है, ये तलाक मुस्लिम धर्म है, जो मुस्लिम परंपरा से आया है, मुस्लिम परंपरा में ही तलाक हुआ करती है। हिंदू परंपरा में तो पति और पत्नी के बीच में तलाश हुआ करती है, वो एक दूसरे को तलाशते हैं और तलाश करके तराशने का प्रयास करते हैं, और तराशते वह सीधे भगवान के पास तक पहुँच करके अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। तो मैं बहनों से यही कहना चाहता हूँ, कभी अपने मन में सपने में भी तलाक शब्द लेके ना आए। मुस्लिम धर्म में 3 बार बोलोगे तलाक 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 तो शादी टूट जाती है। रोज़ रोज़ आप तलाक तलाक बोलोगे तो यहाँ की शादी टूटे ना टूटे, लेकिन जीवन भर के सारे संबंध टूट जाते हैं। जो एक परिवार का नहीं हो सका, वह दूसरे परिवार का कैसे हो सकता है? जो एक परिवार के साथ नहीं रह सका, तो दूसरे परिवार में भी जब उसकी शादी होगी वहाँ भी कैसे रह सकता है? तो मेरा यही कहना है कि जीवन में कभी भी अपने मन में सपने में भी तलाक शब्द ना आए। ये सोचें इसमें मेरे पति की गलती नहीं है, मेरी सासू की गलती नहीं है, मेरे ससुराल पक्ष की गलती नहीं है, इसमें तो सिर्फ मेरे कर्मों की गलती है। इतने भाव जब पैदा हो जाएंगे तो नियम से आपका जीवन स्वर्ग के समान होगा और ससुराल आपको अपने परिवार के जैसे महसूस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री, आपने बहुत मेरा जो शंका थी उसका समाधान बहुत अच्छे से दिया। मैं भी आज की बहनों से ये विनती करना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसी जो समस्या आए तो कभी तलाक के बारे में ना सोचे, लेकिन उसका समाधान, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में सोचे और इसका उसका आगे का वो हल सोचे, लेकिन कभी तलाक के बारे में ना सोचे। बार बार ऐसा सोचने से हो सकता है अपने जीवन में वही घटना घट जाए। तो जो महाराज सर आचार्य श्री ने बोला है वैसा आप सोचो, समझो उसको, और उसके बारे में आप इसका निर्णय जड़ से ना लेके सहनशीलता दिखलाए। सब मेरी बेटियों से यही विनती है कि जो आचार्य श्री ने बोला है उसके नक्शे कदम पर चल के अपना आगे का जीवन अच्छा मंगलमय सुखमय परिवार में बिताए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।